हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रियलमी C35 मॉडल नंबर का फोन का जो है F5P को अनलॉक करके दिखाने वाला हूँ विदाउट लैपटॉप विदाउट पीसी की मदद से। अगर दोस्तों आप अपने फोन को फॉर्मेट कर दिए हैं या फिर हार्ड रिसेट कर दिए हैं, बहुत भाई लोग क्या करते हैं फोन पे जो लॉक लगाकर भूल जाते हैं या फिर फोन उसका हैंगिंग करता है, हैंग करता है, उसके साथ बहुत भाई लोग क्या करते हैं फोन को जो फॉर्मेट कर देते हैं या फिर हार्ड रिसेट कर देते हैं, और करने के बाद भैया उसमें क्या होता है कि FRP का जो लॉक होता है वो लग जाता है फॉर्मेट होने के बाद, और उसको जो लोग जो सेटअप नहीं कर पाते हैं, बहुत भाई लोग सेटअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों फोन फॉर्मेट होने से पहले जो उसमें जो ईमेल आईडी और उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ होता है दोस्तों, जो लास्ट टाइम जो यूज हुआ है फोन के अंदर, वो वहाँ पर जो मांगता है सेटअप होने के लिए फोन, हमको दोस्तों ईमेल आईडी भी पता नहीं है उसका, और उसका जो पासवर्ड या फिर पैटर्न या फिर पिन लॉक तो वो भी मालूम नहीं है, लेकिन फोन जो है दोस्तों वो फॉर्मेट हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे दोस्तों वो मैं आपको आज के इस वीडियो में जो है प्रॉपर बताने वाला हूँ। FRP लॉक को जो है बाईपास करके दिखाने वाला हूँ रियलमी C35 मोबाइल का, किस तरह से आप दोस्तों FRP को बाईपास कर सकते हैं विदाउट लैपटॉप विदाउट पीसी की मदद से, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहना। बहुत भाई लोग क्या करते हैं दोस्तों वीडियो को जो है स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन उसको जो कुछ समझ में नहीं आता है और बाद में भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर देता है कि ये वीडियो बिल्कुल फेक है, तो ऐसा होता नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, आपको जो है एक भी स्टेप को जो है मिस नहीं करना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना, तब जाके आपको जो सारा मेथड समझ में आएगा और आप जो है आसानी से घर बैठे अपने फोन को जो अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता है बिना कोई देरी किए हुए, और यहाँ पर आपका मनी बिल्कुल सेफ होने वाला दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आप अपने फोन का प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है, हिंदी मराठी गुजराती कुछ भी, यहाँ पर मैं जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको जो है यहाँ पर जो सारा बॉक्स को आपको चेकआउट करके आपको जो है दोस्तों फिर से नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो वाईफाई कनेक्ट कर लेना है कोई दूसरे फोन से, ठीक है। अगर आपके घर पर किसी का फोन है या फिर आपका दोस्त का या फिर आपका भाई या फिर आपका किसी का भी घर पर फोन है, तो उस फोन से दोस्तों यहाँ पर आपको वाईफाई को जो है कनेक्ट कर लेना है इस फोन पर। देख लीजिए यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है दोस्तों, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से जो है नेक्स्ट आना है। यहाँ पर चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको, और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर चेक इन फॉर अपडेट्स चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ देर इंतजार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं कुछ देर यहाँ पर इंतजार कर लेता हूँ, जिसे देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ, आप वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना, तब जाके जो है आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्तों मिस्टेक कर देंगे, कोई ना कोई सेटिंग या फिर मेथड को छोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका जो है वर्क नहीं करेगा फिर। यहाँ पर आपको जो है फुली वॉच करना है वीडियो को, ताकि आपका कोई स्टेप नहीं छूटे, अगर दोस्तों कोई ना कोई स्टेप छूट जाएगा तो फिर आपका जो है फ़ोन अनलॉक नहीं होगा और आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए आपको दोस्तों आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो है कुछ देर आपको इंतज़ार करना है, और यहाँ पर देख लीजिए चेक इन इन्फो चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई पिन मांग रहा है, यानी जो फ़ोन फॉर्मेट होने से पहले जो पिन था इस फोन पर लगा हुआ दोस्तों, वो पिन यहाँ पर मांग रहा है। अगर आप उस पिन को डाल देंगे तो आपका फ़ोन सेटअप हो जाएगा। अगर आपको पिन मालूम नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आप यूज गूगल माई अकाउंट पर भी आप जा सकते हैं। जाने के बाद दोस्तों आप वहाँ पर जो है अपना गूगल अकाउंट डाल कर जो है डायरेक्ट फ़ोन को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उसको आप बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ भी अगर आपको मालूम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है बिल्कुल बैक आ जाना है दोस्तों। देख लीजिए आपको बिल्कुल बैक आ जाना है, आपको वाईफाई वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वहाँ पर आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए वाईफाई वाला ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों ऊपर आपको एक जो है सेटिंग का आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन पर आपको नहीं मिलेगा तो आपको फिर से बैक आ जाना है, आपको ऊपर आपको एक सेटिंग ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, उस वाले सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको देख लीजिए शेयर वाईफाई पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए नीचे वाला ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको टर्न ऑन कर लेना है यहाँ पर, और टर्न ऑन करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख लीजिए आपको नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है थ्री डॉट आपको दिख जाएगा ऊपर पे, आपको थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, थ्री डॉट पर आपको जो है क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए शेयर आर्टिकल का एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको दोस्तों मैसेज वाले बॉक्स में आपको क्लिक करके आपको इसको जो है गाड़ी स्टार्ट कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको देख लीजिए 1-to-1 आपको प्रेस करना है। याद रखना दोस्तों फोन के अंदर आपको जो सिम होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आपको जो है सारा टेक्स्ट को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है www.youtube.com, ठीक है। आपको 1-to-1 पर आपको दोस्तों आपको एक मैसेज करना है यहाँ से www.youtube.com आपको यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों, फ़ोन के अंदर सिम डाला हुआ होना चाहिए वो आपको याद रखना है।
यहाँ पर लिख लीजिए मैं www.youtube.com, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। और लिखने के बाद दोस्तों जैसे आप इसको सेंड करेंगे तो वहाँ पर जो हमारे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा YouTube का, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक बार रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो YouTube का लिंक ओपन हो चुका है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है अपने फ़ोन का जो YouTube है वो YouTube के अंदर पहुँच जाएंगे। देख लीजिए उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना दोस्तों, सेटिंग पर आना है। देख लीजिए आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना दोस्तों, और नीचे देख लीजिए यूट्यूब टर्न ऑफ कंडीशन आपको क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्रोम खुल जाएगा, आपको नो थिंग्स कर देना है यहाँ पर, ठीक है। नो थिंग्स करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक आपको नया पेज ओपन कर लेना है। तो देख लीजिए आपको, देख लीजिए आपको न्यू पेज आपको ओपन कर लेना है। न्यू पेज ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है VNROM आपको यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है। जैसे दोस्तों सर्च करेंगे आपको फाइट वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन स्मार्ट लॉक पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए स्क्रीन स्मार्ट लॉक यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नया पिन या फिर नया पासवर्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पिन लॉक लगा लेते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर हम लगा लेते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसको इसमें जो है पैटर्न भी लगा सकते हैं, फिर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये जो लॉक है दोस्तों एक बार में दो बार में नहीं लगेगा, आपको ट्राई करते जाना है जब तक आपको फ़ोन पर एक बार लॉक लगना जाए। देख लीजिए आपको ये पिन फो पे आ जाना है दोस्तों, आपको फिर से आपको एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने का दोस्तों देख लीजिए आपको फिर से आपको बैक आना है, और यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन आ चुका है, जिसको आपको जो है काट देना है इस तरह से। फिर से आपको जाना है दोस्तों स्मार्ट लॉक पर, यहाँ पर आपको फिर से पिन पर जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 यहाँ पर हम लगा रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए फिर से नहीं लगा, आपको जो है प्रयास करते रहना है जब तक आपका लॉक लग ना जाए फ़ोन पे। देख लीजिए फिर नहीं लगा दोस्तों, फिर से आपको पिन लॉक पे जाना है 1 2 3 4, देख लीजिए फिर से नहीं लगा दोस्तों हमारा। आपको जो है मतलब इस तरह से करते जाना जब तक आपको फ़ोन पर लॉक लग ना जाए, ठीक है। देख लीजिए इस पर लग चुका है दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है हमारा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख लीजिए ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है स्क्रीन को बंद करके कि हमारा जो लॉक है वो लगा या फिर नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने बंद किया और यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो लॉक है दोस्तों बिल्कुल लग चुका है फ़ोन के अंदर। देख लीजिए ये हमारा दोस्तों लॉक बिल्कुल लग चुका है फ़ोन के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो लॉक लगा लीजिएगा दोस्तों, ऑनलाइन लॉक जो है इसको आप लगा लीजिएगा। क्रोम पर जाकर VNROM सर्च करके आपको बैक आ जाना है, बिल्कुल आपको बैक आ जाना दोस्तों बिल्कुल होम स्क्रीन पर। और फिर से आपको यहाँ पर जो है फिर से वही मेथड को अपनाना है दोस्तों, आपको फिर से जो है यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपको दोस्तों नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है, यहाँ पर देख लीजिए डोंट कॉपी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस बार जो हमारा फोन बिल्कुल अनलॉक हो चुका है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओ वाला पिन को जो फिल कर देना जो आप लगाए थे 1 2 3 4। यहाँ पर देख लीजिए चेक इन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो अभी चेक इन चल रहा है, तो कुछ देर आपको इंतजार करना है यहाँ पर। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों देख लीजिए आपको स्किप कर देना है यहाँ पर, फिर से आपको स्किप करना है। देख लीजिए आपको दोस्तों मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर गेटिंग योर फोन रेडी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्किप कर देना है, फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा रियलमी UI का जो है दोस्तों लोगो आ चुका है, हमारा फोन बिल्कुल अनलॉक हो चुका है फोन। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप जो अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह का ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा फोन, और 1 2 3 4 जो हमारा लॉक है वो अब इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में